हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। संजय कुमार, हम प्लस टू के अंदर जो हमारा टॉपिक कर रहा था क्षेत्रीय संगठन, देखो उससे पहले हम यूएनओ बात के साथ देशों के साथ जो संबंध है वो हम कर चुके थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका जो क्षेत्रीय संगठन है आसियान और सार्क। देखो आसियान के बारे में हम पढ़ भी चुके थे, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र संघ था, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो देश थे तो एक मिलकर अपना विकास करना चाहते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी इम्पोर्टेंस जो महत्व वो और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये शक्ति शून्य देश हो चुके थे। ऐसी स्थिति में चीन अपनी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा फैलाना चाहता था, उधर अमेरिका भी अपनी पूंजीवादी विचारधारा अपना रहा था और साम्यवादी विचारधारा का विरोध कर रहा था। ऐसी स्थिति में ये जो देश है ये अपना विकास खुद ही परस्पर सहयोग के द्वारा करना उचित मानते थे कि हम खुद ही अपना सहयोग करेंगे, किसी बड़ी शक्ति के अंडर में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुए थे, इनके पास जनसंख्या विस्फोट की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, तो इस समस्या का जो निपटारा करेंगे वो मिलकर ही करेंगे हम, ठीक है, आपस में सहयोग के द्वारा। हम किसी की बड़ी शक्ति के अधिकार में या उनकी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्हें जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है उन्होंने मिलकर क्या किया, अपना एक संगठन स्थापित कर लिया जिसे हम बोलते हैं आसियान। ठीक है, और आसियान की स्थापना मैंने बताया था आपको कब हुई थी स्थापना, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना। और स्थापना करते वक्त कितने देश थे, 5 देश थे। आसियान की स्थापना की थी जब 5 देशों ने मिलकर की थी, हमने बात किया थी, हमने पिछली वीडियो में की थी, हमने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी 5 टोटल देश थे। कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 1984 के अंदर ब्रुनेई और मिला था इसके अंदर, 1984 में छठा देश कौन सा मिल गया, ब्रुनेई, ठीक है। ऐसे आगे चलते गए देश के देश, मान लो 1995 में मिला था वियतनाम, 1995 में मिल गया था वियतनाम। इसका वर्तमान में जो इसके देश है वो 10 देश है, ध्यान रखना भी, ये आपके दो पर्सन मिलते हैं। तो जब इसकी स्थापना हुई थी आसियान की 8 अगस्त 1967 को, उस समय कितने देशों ने मिलकर किया था, 5 देशों ने, यानी कितने सदस्य देश थे इसके। इसका मतलब आपसे पूछे मूल देश, हमने किया था ना यूएनओ में, जो ने आपको बताया था अभी मूल देश कितने थे, आप आंसर दोगे 51, वर्तमान में 193। इसी प्रकार इसके जो मूल देश थे वो 5 थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, और इसके जो वर्तमान में देश है वो 10 देश है। उसके बाद आगे से आगे, जैसे 1984 में ब्रुनेई मिला था, 1995 में वियतनाम मिला था, इस बार आगे से आगे क्या हो गया, देश इससे जुड़ते गए, इस संगठन में शामिल होते गए, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, ठीक है, दक्षिण पूर्वी की एशिया में जो देश स्थित थे ना, इसी कारण इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। बाकी हम इसकी चर्चा करें आसियान के बारे में, तो स्थापना हो गई 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967। और इसका जो मुख्यालय है, सचिवालय है, वो सचिवालय इसका मुख्यालय लिख दो यहाँ पर, एक ही बात है, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय। आपको मेन मेन बातें यही याद रखनी है बस, आपको इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। एक आपको बता देते हैं 24 जुलाई 1996 को, 24 जुलाई 1996 को भारत को क्या मनाया गया था, इसका पूर्ण संवाद सहयोगी देश मनाया गया था, बनाया गया था क्या, पूर्ण संवाद सहयोगी देश, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना बात, 24 अप्रैल 1996 को भारत को इसको क्या बनाया गया था, पूर्ण संवाद सहयोगी देश बनाया गया था। और भारत के साथ साथ इसके अंदर पूर्ण संवाद सहयोगी देश है वो चीन भी है और रूस भी है, भारत को भी बनाया गया था और चीन रूस भी है, वो भी पूर्ण संवादी, पूर्ण संवाद सहयोगी देश है आसियान के, ठीक है, चीन और रूस भी है। उसके बाद इसकी आ गया, इसका मुख्यालय आ गया जकार्ता इंडोनेशिया में, जो सचिवालय है, एक आसियान की एक सहयोगी संस्थान है जिसे बोलते हैं एशियाई क्षेत्रीय फोरम, आसियान की एक क्या है, सहयोगी संस्था।
कौन से एआरएफ बोलते हैं शॉर्टकट, क्या बोलते हैं एआरएफ, यानी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है, एशियाई क्षेत्रीय फॉर्म है जो आएगा फॉर्म, ठीक है, एशियाई क्षेत्रीय फॉर्म एआरएफ की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टोटल 23 देश हैं, ध्यान रखना, भारत जो आपका, अमेरिका, जापान, चीन, रूस, इनके समेत टोटल 23 देश है। इसका मतलब इसके अंदर भारत भी शामिल है, भारत भी है, मुख्य मुख्य बात करें अमेरिका है, जापान है, रूस है, चीन है, यानी इन देशों के लगभग टोटल देश है वो 23 देश है। ये क्या है, एक आसियान की सहयोगी संस्थान है, ठीक है, एआरएफ, ठीक है, एशियन एशियाई क्षेत्रीय फॉर्म बोलते हैं इसको, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एआरएफ। तो ध्यान रखना भी आप, आसियान के तो देश है वो तो है 10, लेकिन आसियान की जो सहयोगी संस्थान एआरएफ है उसके टोटल देश है 23। इसको मतलब गोलमाल मत कर देना आप, गोलमाल मानते हो, मिक्स हो जाता है काम, जहाँ 10 लिखना होता है वहाँ 23 लिख देते हैं, जहाँ 23 लिखना होता है वहाँ 10 लिख लेते हैं, ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए आसियान है मुख्य जो, उसके तो टोटल देश है वर्तमान में 10, स्थापना हुई थी उस टाइम थे 5, लेकिन जो एआरएफ है एशियाई क्षेत्रीय फॉर्म है उसके देश है 23, तो उसके अंदर भारत भी शामिल है, एआरएफ के अंदर क्या है, भारत भी शामिल। उसके बाद आगे हम बात करें, और भारत इसका हमेशा इसके साथ निकटता प्रगाढ़ता बनाना चाहता है, क्योंकि तो नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ी थी ना एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति, ये इनका यही था जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश ना एक्ट ईस्ट है, वो नरेंद्र मोदी जी की नीति है हमारी, नरेंद्र मोदी जी, आपने पढ़ा था लुक ईस्ट को, एक्ट ईस्ट में बदल दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, पहले लुक ईस्ट था, उसके बाद इसको एक्ट ईस्ट में चेंज कर दिया गया। ये क्या चाहता है, इस नीति के तहत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्रगाढ़ता चाहता है, यानी अच्छे संबंध बनाना चाहता है, अधिक प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो उसके संबंध हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके इसको इसके बेनिफिट लगता है, लाभ लगता है भारत को, भी ज़्यादा इसके अच्छा संबंध बनाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा महत्व है। अब कैसे है वो आगे हम चर्चा करेंगे, एक बार तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट नीति के तहत बात क्या चाहता है, इसके साथ अधिक प्रगाढ़ता, अधिक अच्छे संबंध बनाना चाहता है। अब इसके हम सम्मेलन की बात करें तो प्रथम सम्मेलन उसका हुआ था 1976 में बाली इंडोनेशिया में, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था इनका, देखो 1967 में तो क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, तो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बाली इंडोनेशिया में हुआ था 1976 में। और जो 28 और 29वां शिखर सम्मेलन की बात करें हम, अट्ठाईसवां व 29वां शिखर सम्मेलन ये लाओस में हुआ था, सम्मेलन कहाँ हुए थे, लाओस, प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बाली इंडोनेशिया में, और 28वां और 29वां सम्मेलन हुआ था लाओस, लाओस के अंदर है वियतनाम में, वियतनाम में हुआ था, कहाँ हुआ था, वियतनाम में। वियतनाम में तो लाओस के अंदर है, इसके अंदर यह हुआ था लाओस के अंदर 6 से 7 सितंबर 2016 को, कब हुआ था ये 6 से 7 सितंबर 2016 को, इसका 28वां 29वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो देखो मैं मेन मेन बात बता रहा हूँ आपको, वैसे ये मेन मेन बातें याद रखनी है आपको, एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, दूसरे इसके मूल सदस्य और वर्तमान में सदस्य, ए आर एफ के सदस्य, उसके बाद आपको इसका प्रथम सम्मेलन जैसे बाली इंडोनेशिया में हुआ था 1976 में, ठीक है, उसका 28वां 29वां सम्मेलन जो 2016 में हुआ था वियतनाम में, तो पूरा नाम क्या है अभी वियतनाम में है, तो लाओस में है, ठीक है, लाओस में हुआ था, ठीक है। और आगे बात करते हैं इसके बारे में, करता हूँ बस इनको ये ध्यान रखना आपका प्रथम शिखर सम्मेलन,
उसके बाद अब जो 28वां 29वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था, आगे हम चर्चा करें। तो पर्यटन के क्षेत्र में इसने, पर्यटन जानते हो ना, एक देश से दूसरे देश में घूमना, उनके जो प्राकृतिक जो कृत्रिम जो स्थल है उनको देखना, ठीक है। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी इन्होंने एक समझौता किया था इन देशों ने, जिसे बोला आसियांता, क्या कहते हैं आसियांता, जो इनके सदस्य देश थे इनके मध्य एक समझौता हुआ था आसियांता समझौता, ठीक है, जो पर्यटन के क्षेत्र के लिए होता है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि बिना वीजा, यानी हमें वीजा की भी आवश्यकता नहीं है और हम एक दूसरे के देशों में घूम सकते हैं, पर्यटन स्थल को देख सकते हैं, यानी हमें वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये समझौता था आसियांता, इनके दो सदस्य देश थे उनके मध्य ये समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के देशों में बिना वीजा के हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे, अब हम बात करें इस जो हमने ये तो बात की भी, ठीक है जी, इन्होंने जो किया था बढ़िया किया था, उसके प्रकृति उद्देश्य की बात करें, हम स्थापना वगैरह हो गई, स्थापना हो गई, इसके शिखर सम्मेलन हो गए, इसके देश हो गए। अब बात आती है इसके प्रकृति व उद्देश्य क्या है। देखो बात सुनो, इसका नेचर क्या है। मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि जो शीत युद्ध के दौरान जो सेंटो थे, जो ये वार्सा पैक्ट था, जो संधियाँ बनी थी वो सैनिक संधि थी। कौन संधि थी? सैनिक संधियाँ। लेकिन ये जो संधियाँ थी, ये समझौता था, वो असैनिक संधि थी। एक बात ये ध्यान रखना, इसकी प्रकृति कैसी थी? असैनिक। इसका मतलब क्या था? आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इसके आधार पर इन्होंने आपस में क्या करना था? अपना विकास करना था। यानी इनकी असैनिक नहीं थी ये, बल्कि ये थी, इनको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ये विकास करना था। जो मुख्य समस्याएं पाई जाती है उनका विकास करना था, उनको मतलब समस्याओं को दूर करना था, ठीक है। तो उसका नेचर कैसा था? असैनिक था, ध्यान रखना, सैनिक नहीं था। इसकी जो प्रकृति थी वो असैनिक थी, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या करना था? अपना विकास करना। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले कहा था, ये वो देश थे जिनके मध्य जिनके गरीबी पाई जाती थी, बेरोजगारी पाई जाती थी, आर्थिक विकास था वो निम्न स्तरीय था, ठीक है। यानी बिल्कुल ही वो नए नए आजाद हुए थे, उनका विकास रुका हुआ था। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना था? अपना विकास करना था, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास करना था। और इसी विकास के लिए उन्होंने क्या किया? आपस में एक समझौता करके क्या किया? आसियान की स्थापना की। यानी ध्यान रखना, असैनिक तो इसका कदापि है ही नहीं, इनका मकसद सैनिक नहीं था, असैनिक था, ये ध्यान रखना। यानी एक तो बात आपको यहीं से आपको एक पक्का याद रख लेना है कि जो जितने भी हम सारक पढ़ेंगे, यानी दक्षेस पढ़ेंगे, आसियान पढ़ेंगे, उसका एक ही मकसद था असैनिक, यानी सैनिक संधि नहीं थी ये, असैनिक संधि थी। यानी इनका मकसद सैनिक रूप से सहायता नहीं करना था, बल्कि क्या था? आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना था, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। और करना भी कैसे था? आपसी सहयोग से, आपसी सहयोग से। यानी हम क्या करेंगे? आपस में ही सहयोग से अपना विकास करेंगे, हमें किसी के दीन नहीं जाएंगे, कोई बड़ी शक्ति के दीन नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तो हम पहले ही मैटर पढ़ चुके हैं, ये किसी भी ना तो चीन के ना वो अपने अमेरिका के दीन जाना चाहते थे, बल्कि वो अपना विकास खुद ही करना चाहते थे, अपना समझौते के द्वारा आपस में सहयोग करके, ये इनका उद्देश्य था। आर्थिक विकास करना था, इनको गरीबी दूर करनी थी, इनको बेरोजगारी दूर करनी थी, उनका जो मतलब देश की जो निम्न स्तरीय अर्थव्यवस्था पाई जाती थी उसका विकास करना था, आर्थिक समृद्धि करनी थी, आर्थिक विकास करना था, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। प्रकृति कैसी थी? असैनिक थी, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक की प्रकृति थी ये, विकास की प्रकृति थी, सैनिक प्रकृति नहीं थी, असैनिक प्रकृति थी, ये बात आपको क्या रखना है? ध्यान। तो ये तो हो गया हमारा आसियान बिल्कुल सिंपल से तरीके से। हम आपको ये बता दें तो आसियान के भूमिका की बात कर लेते हैं, हम एक छोटी छोटी बातें अभी देखो। आसियान ने इसके अंदर भूमिका अपना बहुत ज़्यादा रोल अदा भी किया है, बहुत सी जो आपस में जो समस्याएं थी, गरीबी की थी चाहे बेरोजगारी की थी, बहुत सी समस्याओं को उन्होंने हल किया था। आपस में अपना क्या किया है? आर्थिक विकास किया है, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये क्या किया है? विकास किया है। यानी आपस में सहयोग के द्वारा उन्होंने अपना विकास किया है, किसी के दीन नहीं गए वो।
अब वो क्या है, ये देश पूरे मतलब पूरे विश्व के अंदर हम बात करें ना, तो ये संस्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। प्रत्येक देश इससे क्या करना चाहता है, इसका संबंध बनाना चाहता है, इससे भारतीय चाहता है, क्योंकि ये एक प्रफुल्लित कह दो आप, विकासवादी अर्थव्यवस्था कह दो, एक विकसित संगठन कह दो, यानी विकास करने वाला संगठन बन चुका है, संस्था बन चुकी है। एक बहुत बड़ी एक बाजार की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। भारत भी इसके साथ संबंध बना रहे हैं, सिर्फ बाजार के लिए बना रहे हैं ताकि भारत की वस्तु आसानी से बिक जाए। ये जो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इससे संबंधित भी ये देश बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इससे पहले भी कट भी चुके हैं, यानी उपजाऊपन होने के कारण इनको इसके इस क्षेत्र को हम चावल का कटोरा कहते हैं। तो पता था ना, ये इसको चावल का यानी धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपजाऊपन है, जिससे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो पूरा विश्व इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ये संगठन, ये जो संस्थान है, आसियान है, तो और भारत भी इसी कारण एक्ट ईस्ट नीति के तहत इससे प्रगाढ़ता अपना रहा है, के साथ अपने संबंध को बढ़ा रहा है। अब संबंध बढ़ाने के कुछ रीजन बता देता हूँ आपको मैं। पहला रीजन तो ये है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है, भारत आसियान के साथ प्रगाढ़ता क्यों बढ़ा रहा है, यानी अपने संबंध को क्यों बढ़ाना चाहता है। तो पहला तो कारण यही है कि भारत को बाजार चाहिए ताकि अपनी वस्तु क्या हो, आसानी से बिक जाए, यानी विक्रय कर सके अपनी वस्तु, ठीक है, और आसियान की जो वस्तु है वो यहाँ पर भारत के अंदर बिक सके, यानी एक बढ़िया तरीके से आयात निर्यात हो सके, ठीक है, और भारत को सबसे बढ़िया बाजार लगाइए, भारत की वस्तु के विक्रय के लिए सबसे अच्छा बाजार लगा, क्योंकि हम वस्तु विक्रय करेंगे, निर्यात करेंगे, तभी तो हमें लाभ होगा ना। देखो आयात निर्यात के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयात होता है दूसरे देश से वस्तु मंगवाना, निर्यात होता है दूसरे देश में वस्तु बेचना। तो भारत को ऐसा लगा भी आसियान एक बहुत बड़ा बाजार है भारत की वस्तु के लिए, और तो भारत की वस्तु आसानी से वहाँ बिक जाएगी, यानी भारत को बहुत बड़ा बाजार लगता है वो। इसके कारण भारत को क्या होगा, आने वाले टाइम में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर इससे हम संबंध अच्छे बना लेंगे ना, तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। हम दूसरे की बात करें, देखो भारत को पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, इस चीज की ज्यादा पूर्ति भारत को आसियान से हो रही है, आसियान देशों से हो रही है, यानी भारत को ऐसा लग रहा है कि इससे अगर हम अच्छे सुन ना लेंगे तो हमारे प्राकृतिक जो गैस है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उसकी पूर्ति आसानी से भारत को हो जाएगी, एक अच्छे तरीके से हो जाएगी, या कह सकते हो एक कम कीमत के अंदर भारत को ये प्राप्त हो जाएगा। इसके कारण भी भारत क्या चाहता है, इससे प्रगाढ़ता या संबंध बनाना चाहता है। तीसरे बात करें हम, भारत अपना एक स्टेटस बनाना चाहता है, एक स्थिति बनाना चाहता है, आर्थिक स्थिति, यानी भारत ये चाहता है पूरे विश्व के अंदर, हर संस्थान के अंदर भारत की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विकास है, वो उच्च होनी चाहिए, स्टेटस बनाना चाहता है भारत एक अपना, ताकि वो आतंकवाद से आराम से क्या कर सके, उसका सामना कर सके। क्योंकि तो भारत ने इस क्षेत्र के अंदर जैसे ही उन्होंने अपना पूर्ण समाज सहयोगी देश बनाया था, हमने पढ़ा था ना 1996 के अंदर, तो इसका कारण ये था कि भारत वहाँ पर अपनी पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है, वो प्रत्येक क्षेत्र से क्या करना चाहता है, पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है, एक आतंकवाद को एक सामूहिक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। वो कहता है हम सामूहिक कार्रवाई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन जो आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, यानी एक अपना स्टेटस बनाना चाहता है वो। क्योंकि तो भारत क्या चाहता है, भारत को विटो पावर चाहता है, भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, यानी उसको विटो मिलनी चाहिए, उसको स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए भारत क्या चाहता है, अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाना चाहता है प्रत्येक संगठन, प्रत्येक संस्थान के साथ। तो ये तीन उद्देश्य है भारत के, जिसके द्वारा वो क्या चाहता है, भारत आसियान के साथ अपने संबंध को बढ़ा रहा है, अपने संबंध को अच्छे बना रहा है। अब हम बात करें इसके मूल्यांकन की, आसियान का मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन की बात करें तो हम ये मूल्यांकन के अंदर तो मैंने आपको ये कहा था ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी उसके गुण और दोष दोनों बताने हैं आपको, ठीक है। तो गुण तो हम बता चुके हैं, भूमिका में बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा बाजार प्रस्तुत हो चुका, स्थापित हो चुका है। अगर इसके बाद हम मूल्यांकन की बात करें तो जो उद्देश्य आसियान ने रखे हैं, उद्देश्य जो आसियान थे, आसियान के जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।
नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इनके उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए, अभी तक इनके देशों में गरीबी वगैरह पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है, यानी आर्थिक विकास उनका रुका हुआ। इसका रीजन एक होता है कि ये देश के इनकी जो आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, वो अलग अलग है। तो देखो 10 देश शामिल हुए हैं, वो अलग अलग देश हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अलग होगी, उनकी सुनसेम भी अलग होगी, उनकी सांस्कृतिक स्थिति भी अलग होगी, यानी उनके जो भाषा भी अलग होगी, उनका क्षेत्रीय विभिन्नता भी पाई जाएगी, उसमें क्षेत्रीय भिन्नता भी होगी, उनमें धर्म की विभिन्नता भी होगी। यानी कहने का मतलब इस विभिन्नता के कारण वो एक दूसरे देश पर विश्वास नहीं करते, और इसी अविश्वास के कारण ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। और बाकी हम कुछ चर्चा करें तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन महाशक्तियों के अंडर में चले गए हैं, उनसे सहयोग ले रहे हैं। वैसे तो ये संगठन इसलिए बना था ताकि उन महाशक्तियों के अधिकार में न जाए हम, उन सैनिक जो उन्होंने सैनिक संगठन बना रखे हैं उनके अंदर हम शामिल न हो, लेकिन बहुत से देशों ने जो इसके आसियान के सदस्य हैं वो उनके भी साथ भी संधि कर रखी है, समझौता कर रखा है। ऐसी स्थिति में ये अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाए हैं, जो उद्देश्य इनके थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, ये इसका मूल्यांकन है। लेकिन हम इसी कारण ये नहीं कह सकते उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए हैं तो इस संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। इस संगठन भी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसका मतलब मैंने आपको ये कहा था, जब भी मूल्यांकन आए तो आपको उसको दोष और गुण दोनों लिखने हैं आपको, ये याद करने वाली बात नहीं होती, आपको गुण भी लिखना है तो ठीक है, इसकी बहुत अच्छी भूमिका है, ये आपस में सहयोग करके अपने देश, अपने नागरिकों का, अपने देश का, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। उसके बाद ये भी कहोगे आप कि कुछ कमजोरियों के कारण, कुछ समस्याओं के कारण, कुछ अविश्वास था आपस में, विश्वास नहीं था, या दूसरे देशों के संबंध बढ़ाने के कारण इनका आपस में सहयोग नहीं बन पाया, और सहयोग नहीं बन पाया तो वो अपने उद्देश्य भी पूरे नहीं कर पाए हैं। तो कुछ बातें ये भी आपको, अब इनका मूल्यांकन हो गया, अब आता है आपका नेक्स्ट जो आता है सारक दक्षेस। सारक संगठन की बात करते हैं, दक्षेस की बात करते हैं। देखो सारक दक्षेस जिसे बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय उन्नीस सौ 85 में इसकी स्थापना हुई थी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के दो, क्योंकि सहयोग के लिए बना था ये सहयोग संगठन, वो तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने मिलकर किया था। ये जो संगठन बनाया था ये दक्षिण एशियाई देशों ने बनाया था, ठीक है, उसमें तो बहुत देश शामिल थे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थे आसियान में, इसमें सिर्फ दक्षिण दक्षिण के जो देश थे ना उन्होंने मिलकर ही क्या बना दिया था, अपना एक संगठन तैयार किया था, इससे आसियान से प्रभावित तो होकर उनको ऐसा लगा था कि आसियान अपने भूमिका निभा रहा है, अपना विकास कर रहा है सहयोग के द्वारा, तो उन्होंने सोचा हम भी क्यों ना एक संगठन बना लें। जो दक्षिण एशियाई देश थे ना उन्होंने सोचा भी हम भी एक क्यों ना संगठन बनाएं ताकि हम अपना विकास कर पाए, जैसे आसियान के देश अपना विकास कर रहे हैं उसी तरह हम भी क्या करें अपना विकास करें, ऐसी बात उन्होंने सोची, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारक यानी दक्षेस की स्थापना की 1985 में, और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, हुई थी ढाका, आप पढ़ोगे जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था इसका ढाका में ही हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो इसका मुख्यालय कहाँ है अभी, इंडोनेशिया में है, कहाँ है सॉरी, काठमांडू नेपाल में है, इसका मुख्यालय कहाँ है इंडोनेशिया में, तो उसका था भी जकार्ता इंडोनेशिया, मुख्यालय है काठमांडू नेपाल, इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर, यानी 1985 के अंदर तो ढाका में इस सारक की स्थापना की गई थी, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में, और 1987 में इसका एक मुख्यालय बना दिया गया काठमांडू नेपाल के अंदर, ठीक है। अब इन जो इसकी जो स्थापना हुई थी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की 1985 में, ये 7 पड़ोसी देशों ने मिलकर की थी, 7 पड़ोसी देश, अब इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वर्तमान में 8 पड़ोसी देश हैं। देखो जब स्थापना हुई थी तब तो 7 पड़ोसी देशों ने मिलकर की थी, और वर्तमान में कितने देश हैं इसके, 8 है, 8वां देश है वो अफगानिस्तान है, अब इसकी हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश हैं। देखो इसकी स्थापना हुई थी 7 सारक की स्थापना
7-8 दिसंबर 1985 को, कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, ठीक है, और इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल के अंदर। अब इससे आपको याद रह जाएगा, देखो 7-8, इसका मतलब पहले 7 देश थे, वर्तमान में 8 देश है। पहले कितने देश थे? 7 और वर्तमान में 8, तो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, हो गए ना पूरे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन 7 देशों ने मिलकर क्या किया था, 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की थी ढाका में। 8वां देश था अफगानिस्तान, भी इसमें मिल चुका था, मिला था अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान को 7 ले लिया था। मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप याद कर लोगे, देखो पहले तो 6 देश थे, अफगानिस्तान को भी 7 ले लिया था, 7 ले लिया था, इसका मतलब 2007 के अंदर मिला था ये, 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान भी इसका 8वां सदस्य देश बन चुका था। अब ध्यान रखना, मूल देश यानी जो इसकी स्थापना हुई थी तब कितने देश थे? 7। आप अपने पड़ोसी देशों को देख लो भारत के अंदर, सिर्फ एक चीन को छोड़कर, चीन इसमें शामिल नहीं है, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है ना, तो चीन को इसमें आपको शामिल नहीं करना, यानी चीन को छोड़कर बाकी देशों के नाम लिख दो आप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, यानी चीन को छोड़कर बाकी सबके नाम लिख दो, चीन को नहीं लिखना आपको। और ये तो 7 देश थे, और जो वर्तमान में 8वां है वो अफगानिस्तान भी इसके अंदर मिल चुका था, कब 7 अफगानिस्तान को कब 7 लिया था? 2007 में 7 लिया था, 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान को भी इसके अंदर मिला लिया गया। अगर हम बात करें तो इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व की बात करें तो इस सारक के अंदर जो जनसंख्या है वो 21% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की, क्या मतलब महत्वपूर्ण संख्या बन जाता है ना, इन 8 देशों के अंदर 21% जनसंख्या निवास करती है। और अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व में 3% क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसका हम पूरे विश्व के आधार पर स्टेटस की बात करें ना तो 21% तो पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है और 3% इसमें क्या पाया जाता है, इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, अब हम इसके चार्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चार्टर, चार्टर पढ़ते हो ना, संविधान, इसके अंदर टोटल 10 धाराएं हैं, चार्टर में टोटल कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना, सारक यानी दक्षिण के जो चार्टर है, जो संविधान है, उसमें कितनी धाराएं पाई जाती है? टोटल 10 धाराएं पाई जाती हैं। तो पहले हम इसकी क्यों ना थोड़ी चर्चा कर लें कि अपने शिखर सम्मेलन की, तो पहला जो शिखर सम्मेलन मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। अब एक 2016 में शिखर सम्मेलन होने वाला था, 19वां शिखर सम्मेलन जो होने वाला था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ये प्रस्तावित था, ये हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो आगे जब भी कोई शिखर सम्मेलन होता है ना, आगे वाले शिखर सम्मेलन को क्या कर देते हैं? प्रस्तावित कर दिया जाता है कि आने वाला नेक्स्ट शिखर सम्मेलन होगा वो इस देश में होगा, इस जगह पर होगा। ये प्रस्तावित कहाँ था? 19वां, जो पहला तो आपको बता चुके हैं ढाका में हुआ था, ठीक है, 7-8 दिसंबर 1985 को जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 7-8 दिसंबर 1985 जब इसकी स्थापना हुई थी वो सम्मेलन ढाका में हुआ था, 19वां होना था वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था, लेकिन आपको पता है एक उड़ी हमला हुआ था, उड़ी आतंकवादी हमला, इसके अंदर हमारे लग 20 से अधिक जो भारतीय थे वो शहीद हुए थे, क्या उड़ी हमले के अंदर। और इसी कारण आपको पता है हमारे यहाँ जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, इसके अंदर हमारे यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये तो सभी जानते हो आप, बताया था न्यूज़पेपर के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक, यानी इसके विरुद्ध जो उड़ी हमला हुआ था। देखो कहाँ होना था 19वां शिखर सम्मेलन? इस्लामाबाद में होना था, लेकिन पाकिस्तान ने एक आतंकवादी हमला किया था उससे पहले, उड़ी हमला बोलते हैं इसको, उड़ी के अंदर हुआ था, ठीक है,
उसके इसका बदला लेने के लिए हमने पाक अधिगत कश्मीर में क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है। इसी कारण ये जो इस्लामाबाद में जो ये सम्मेलन होना था उसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, यानी ये सम्मेलन नहीं हो पाया था ना। आपको देखो प्रथम सम्मेलन तो आप बता दोगे ये ढाका में हुआ था 7-8 दिसंबर 1985 को, जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो 19वां होना था वो 2016 के अंदर इस्लामाबाद में होना था, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान के द्वारा कुछ हरकतें की गई थी, उड़ी के अंदर एक आतंकवादी हमला किया गया था, उसके अंदर हमारे 20 से अधिक जो शहीद थे हो चुके थे, जो भारतीय थे नागरिक थे वो सैनिक शहीद हो चुके थे। इसका बदला लेने के लिए हमने क्या किया, पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और इसी कारण हमारे जो संबंध थे वो बिगड़ चुके थे। इसी कारण जो इस्लामाबाद में जो होने वाला था शिखर सम्मेलन उसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके चार्टर की बात करते हैं। चार्टर में टोटल कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं। अब इन 10 धाराओं में क्या क्या शामिल है वो हम बात करते हैं। देखो तो धारा जो आपकी पहली है यानी अनुच्छेद 55, उसमें तो दिए गए उद्देश्य भी, इसके क्या उद्देश्य है, उद्देश्य जानते ही हो क्या उद्देश्य है, अपना विकास करना है बस। आपसी सहयोग के द्वारा हमारा सामाजिक आर्थिक जो सांस्कृतिक है वो विकास करना है, सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 2 यानी हमने समझौता ये जो संगठन बनाया ये विकास के लिए तो बनाया है। अनुच्छेद 2 में उद्देश्य दिए गए, सॉरी इसके सिद्धांत दिए गए हैं, सिद्धांतों को लिखा गया है उद्देश्य। अनुच्छेद भी कौन कौन से सिद्धांतों पर चलेगा, हमने ये पढ़ा था ना, कोई भी संस्थान होता है वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपस में सहयोग से अपना विकास करेगा, ये सिद्धांत है। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे पर अगर कोई दिक्कत आए कोई समस्या है तो उसको मिल बैठ कर वार्ता के द्वारा उसको हल करेगा, समझौते के द्वारा उस समस्या को दूर करेगा। कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जिसके कारण क्या हो जाए, एक युद्ध की स्थिति आ जाए, आक्रमण की स्थिति आ जाए, आंतरिक मामलों में एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, ये नहीं करेगा, बल्कि सहयोग के द्वारा, ठीक है, असैनिक द्वारा अपना विकास, क्योंकि ये भी एक असैनिक संगठन है, ये भी ध्यान रखना। तारक भी क्या है, एक असैनिक संगठन, यानी इसकी प्रकृति भी असैनिक है। तो अनुच्छेद 1 में उद्देश्य दिए गए, अनुच्छेद 2 में क्या दिए गए, इसके सिद्धांतों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 3 में ये लिख देता हूँ, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मेलन की बात की गई है, तो इनके सदस्य देश है ना, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनके सम्मेलन होगा वो किसके तहत होगा, अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या लिख देता हूँ, अनुच्छेद 4 में जो इनके विदेश मंत्री हैं, जो सदस्य देश है ना, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की बात कही गई है। तो जो सदस्य देश है इनके विदेश मंत्रियों का क्या होगा, एक परिषद का प्रावधान, यानी सम्मेलन के तो या कैसे विदेश मंत्रियों के एक परिषद बनाई जाएगी, और ये जो होगा वो प्रत्येक वर्ष ये अनिवार्य होगा, यानी वर्ष में इसकी 2 बार बैठक होगी, इस परिषद की 2 बार बैठक होगी, और ये आवश्यक होगी, अनिवार्य होगी, ये बात कही गई आर्टिकल 4 में। तो 1 में इसके उद्देश्य है, 2 में इसके सिद्धांत है, 3 में इनका राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है, और 4 में विदेश मंत्रियों के एक परिषद के प्रावधान किया गया, एक परिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रत्येक वर्ष यानी वर्ष में 2 बैठक होना आवश्यक है। आर्टिकल 5 में बात करें हम आगे नेक्स्ट, उसमें एक स्थायी समिति की बात कही गई, यानी एक स्थायी समिति का प्रावधान है, और इसकी जो बैठक होगी वो इस समिति की वो बैठक होगी वर्ष में 1 बार आवश्यक होगी, ठीक ध्यान रखना। आप कोई भी संगठन हो कोई भी संस्थान हो, उसका जो पहला अनुच्छेद होता है वो हमेशा उद्देश्य का होता है और दूसरा सिद्धांत का होता है, तो इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा शिखर सम्मेलन का होता है, तो पहला उद्देश्य, दूसरा सिद्धांत, तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन, चौथा विदेश मंत्रियों की प्रसिद्ध जिसमें प्रत्येक वर्ष के अंदर 2 बार इसकी बैठक होगी, तीसरा स्थायी समिति का प्रावधान जिसकी वर्ष में 1 बैठक होगी, और उसके बाद करें छठे की बात। हम आर्टिकल 6 में दिया गया है कार्यकारी समिति का गठन की बात, कार्यकारी समिति का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 7 में उसके अंदर किया गया एक तकनीकी समिति का प्रावधान किया गया, तकनीकी समिति का प्रावधान।
ये आर्टिकल 6 के तहत तो इसके द्वारा एक इनके द्वारा एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। आर्टिकल सॉरी थोड़ा उल्टा सुलटा होता है, एक मिनट, आर्टिकल 6 में तो है तकनीकी समिति और आर्टिकल 7 में है कार्यकारी समिति। यानी आर्टिकल 6 में तो यह कहेगा तकनीकी समिति का गठन होगा, ठीक है, समितियों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 7 में कहा गया कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 8 है उसके अंदर क्या लिखा गया है, के अंदर इसके मुख्यालय यानी सचिवालय की बात कही गई है, सचिवालय मुख्यालय की, और मुख्यालय में बता चुका हूँ कहाँ है इसका, मुख्यालय काठमांडू में है, कहाँ है काठमांडू नेपाल, और कब इसकी स्थापना की गई थी 1987 में, ठीक है। सारा की स्थापना तो हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में, और जो इसकी मुख्यालय की स्थापना हुई थी वो काठमांडू नेपाल में हुई थी 1987 के अंदर। ये आर्टिकल 8 में लिखा गया है, इसका सचिवालय होगा एक मुख्यालय होगा। अब हम बात करें 9 और 10 की, आर्टिकल 9 और 10, क्योंकि तो हमने बात कहा था इसकी जो सारक का चार्टर उसमें 10 ही तो धाराएं है ना। अब 9 10 में क्या लिखा गया, 9 और 10 में वित्तीय संस्थान की बात की गई है, वित्तीय संस्थाओं की, और जो जो सदस्य देश है उनके अंशदानों की बात की गई है, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फिर जो ये संगठन बनाए जाते हैं इनके लिए वित्त तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए इसको चलाने के लिए, तो पैसा कहाँ से आता है, पैसा उनके सदस्य देशों के द्वारा ही आता है। जो सदस्य देश होते हैं ना वो अपना कुछ ना कुछ अंश देते हैं, पैसा देते हैं वहाँ पर, ताकि उस संगठन के द्वारा उद्देश्य पूरे किए जा सके। अगर संगठन के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा उसको पैसा, तो सदस्य देश है वही तो देंगे। तो सदस्य देशों के लिए जो अंशदानों की बात की गई है वो 9 और 10 में की गई है, और वित्तीय संस्थाओं की बात इसमें कही गई है। अब बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट, देखो इसके लिए एक साप्ता की स्थापना की गई थी, साप्ता इसकी स्थापना की गई थी, सारक के द्वारा साप्ता की स्थापना की गई थी, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संघ की स्थापना की गई थी, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार, यानी इसका मतलब ये क्या करेंगे, दक्षिण एशियाई देश है वो आपस में मुक्त व्यापार करेंगे, यानी जो चुंगी वगैरह टैक्स वगैरह है उसको क्या करेंगे वो हटा देंगे, उनको कम कर देंगे वो, ठीक है, ताकि मुक्त व्यापार करेंगे आपस में, तो आपस में क्या होगा उनका सहयोग होगा, एक दूसरे को वस्तुएं प्राप्त होगी जिससे उनका विकास होगा, समझ रहे हो ना बात। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक अपना उद्देश्य रखा, एक समझौता किया, जिसे बोलते हैं हम साप्ता, क्या बोलते हैं साप्ता, और इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संघ, कि हम क्या करेंगे आपस में जो व्यापार करेंगे वो बिल्कुल फ्री करेंगे, मुक्त करेंगे, एक दूसरे पर टैक्स है चुंगी है जो बॉर्डर आयात निर्यात पर लगा रखे हैं उसको हम कम कर देंगे, ताकि आसानी से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा सके। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो इसके अंदर भारत भी शामिल है, इसके अंदर पढ़ा था ना भारत भी शामिल है सारक में, पाकिस्तान भी शामिल है। अब इनके अंदर पाकिस्तान और भारत के अंदर आपस में बनती नहीं है, पाकिस्तान ने आतंकवाद वगैरह का क्या करता है अपना उपयोग करता है आतंकवाद को भारत के अंदर शांति फैलाने के लिए, इसके कारण कोई भी समझौता सफल नहीं हो रहा, क्योंकि तो दोनों देश इसके अंदर शामिल है और दोनों देशों के मध्य कश्मीर विवाद है, चाहे सीमा विवाद है, जल विवाद है, शरणार्थी विवाद है, बहुत से विवाद चले आ रहे हैं। इसके कारण ये अब ये दोनों देश शामिल है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई भी समझौता सफल नहीं हो पाया, ये आप मूल्यांकन में भी लिख सकते हो, ठीक है। भी समझौता तो क्या साबता दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जिससे उनका व्यापार हो बढ़िया तरीके से किया जा सके आपस में देशों के द्वारा। तो हम बात करें, सबसे पहले साबता बनाने की बात हुई थी 1995 के अंदर, एक इनका दक्षेस का मंत्री परिषद सम्मेलन हुआ था, मंत्री परिषद सम्मेलन, इसके अंदर ये चर्चा की गई थी हम क्या करेंगे एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिससे क्या उसके एक मुक्त व्यापार किया जा सके आपस में, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, इस पर सहमति हुई थी। उसके बाद एक 2004 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद में, 2004 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद, इसके अंदर क्या हुआ था सदस्य देशों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, सदस्य देशों के द्वारा इसी संगठन पर क्या किए गए थे हस्ताक्षर किए गए थे, और ये जो लागू हुए थे वो हुआ था जनवरी 2006 को,
ये जो संगठन था ये लागू हो चुका था। देखो हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार इन्होंने शुरू किया था, जो सारक के सदस्य देश थे इन्होंने मिलकर, ताकि आपस में व्यापार कर सकें मुक्त रूप से और अपना विकास कर सकें हम, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले जो सहमति बनी थी वो 1995 के अंदर मंत्रिपरिषद सम्मेलन हुआ था, सदस्य देशों के जो मंत्रिपरिषद थे वो इकट्ठे हुए थे मंत्री। और उसके बाद 2004 इस्लामाबाद में जिसका शिखर सम्मेलन हुआ था उस पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और जनवरी 2006 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो इसके हम संगठन की बात कर चुके हैं, कौन से देश शामिल थे, इसका मुख्यालय कहाँ है, जो चार्टर के 10 आर्टिकल है उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, तो सिंपल है। पहले में उद्देश्य है, सिद्धांत है, फिर वो मंत्री आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन है, फिर मंत्रिपरिषद का वो गठन किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है, ठीक है। तकनीकी समिति है, कार्यकारी समिति है, सचिवालय की बात की गई है, वित्तीय संस्थान की बात की गई है, तो ये थोड़ा सिस्टम से अगर याद करोगे तो आपको हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सही है। अब आगे हम जो इसके बारे में थोड़ा मूल्यांकन पढ़ने, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मूल्यांकन, ठीक है, तो वो हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझिए ना बात, मूल्यांकन वही है जो बताया आपको मैंने, तो ये एस्पर रहा है अपनी नीतियों में, क्यों रहा था एस्पर, इसका रीजन है क्यों भारत और पाकिस्तान में मध्य क्या है, आपस में कटुता चल रही है, आपस में विरोध भाव चल रहा है, उनका आपस में सहयोग नहीं बन पाता, कोई भी वो उद्देश्य लेकर समझौता करते हैं, कोई सिद्धांत पर चलते हैं, पाकिस्तान उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से अपनी टांग अड़ाता है, यानी उसको रोकता है। जैसे हमने बात की थी 2016 में इस्लामाबाद में इसका जो सम्मेलन होने वाला था, लेकिन उससे पहले उड़ी हमला हो गया, इसी कारण क्या हो गया, जो सम्मेलन होना था वो रद्द हो गया। तो ये कुछ कारण है जो इसके असफल होने के, यानी ये अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर सका, तो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।